हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम लोग टिटनस वैक्सीन के बारे में बात करेंगे कि इसका डोज कितना है, कहाँ पे लगता है, साइड इफेक्ट और कितनी बार लगवाना है। ये काफ़ी कॉमन फॉल्ट है लोगों की, जितनी बार उनको चोट लगती है उतनी बार टिटनस की इंजेक्शन लगवा लेते हैं। तो ये लगवाना है कि नहीं लगवाना वो सब हम समझने वाले हैं। तो टिटनस वैक्सीन एक बीमारी है, टिटनस जो बैक्टीरिया से होती है, क्लास्ट्रिडियम टिटेनी। वो बैक्टीरिया स्पोर फॉर्म करता है और मिट्टी के अंदर छोड़ देता है, जो स्पोर काफ़ी दिनों तक जिंदा रह सकता है। और इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में कोई इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स नहीं है, मतलब बीमारी होने के बाद फिर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं, इसलिए जो वैक्सीन है वही इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। प्रिवेंशन के लिए इसलिए वैक्सीन को लेना जरूरी होता है। पर कॉमन मिस्टेक लोग ये करते हैं कि जैसे ही चोट लगी या जितनी बार चोट लगी उतनी बार ये टिटनस का इंजेक्शन लगवा लेते हैं, जो कि गलत बात है। जो टिटनस की वैक्सीन एक बार लग जाती है तो वो 10 साल तक प्रोटेक्शन देती है। ये वैक्सीनेशन छोटे बच्चों से ही चालू हो जाता है और बड़ों में भी लगवाया जाता है। सबसे पहले हम छोटे बच्चों की बात करें, हमारे जो इंडिया में फॉलो किया जाता है शेड्यूल, वो 5 वैक्सीन का है। 1.5 महीने पर देना है, फिर 1 महीने बाद 2.5 महीने पर, और जो तीसरा डोज है वो उसके 1 महीने बाद, मतलब कि 3.5 महीने पे देना है। ये 3 वैक्सीन हो गए देने हैं। और जो चौथी वैक्सीन है उसको हम लोग बूस्टर डोज बोलते हैं, जो 16 महीने से लेके 24 महीने के बीच में देना है, मतलब कि लगभग 1.5 साल पे। और जो सेकंड बूस्टर है या जो 5वां डोज है वो देना है 5 से 7 साल के बीच में। तो ये 5 प्राइमरी वैक्सीनेशन होते हैं। 5 वैक्सीनेशन के बाद जो आगे वैक्सीन देनी है वो 10-10 साल पे देनी है, 65 साल तक। लोग प्रायः ये गलती करते हैं कि वैक्सीनेशन एक बार छोटे उम्र में करा लिया फिर आगे नहीं लेते। ये हमेशा याद रखने वाली बात होती है कि कुछ ऐसी वैक्सीन्स होती हैं जिनको लाइफ लॉन्ग हमें लगवाते रहना चाहिए, नहीं तो उनका जो वैक्सीनेशन का जो प्रोटेक्शन है, एंटीबॉडी का जो टाइटर, वो कम होता जाता है। इसलिए ऐसी वैक्सीन जो कि किल्ड वैक्सीन है या जैसे टिटनस की है जो टॉक्साइड वैक्सीन है, उन वैक्सीन के साथ ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है। ये चीज़ हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए कि एक बार वैक्सीन लगवा लिया तो उसके पता करके रखना चाहिए, पूछ के रखना चाहिए कि बूस्टर हमें कितने दिन में और कैसे लगना होता है। तो 10-10 साल में लगवाना होता है टिटनस के वैक्सीन का, राइट। तो ये तो छोटे बच्चों की बात हो गई, बड़ों की बात करते हैं। बड़ों में प्रायः लोग ये गलती करते हैं कि जितनी बार चोट लगती है उतनी बार टिटनस का इंजेक्शन ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है, ऐसा जरूरी नहीं है हमें करना। तो जानते हैं सबसे पहले टिटनस की वैक्सीन लगती कब कब है। चूंकि टिटनस का स्पोर मिट्टी में हो सकता है, डस्ट में, सॉयल में, इसके अलावा जो रस्टी चीज़ें होती हैं, लोहे की जंग लगी चीज़ें होती हैं, चाकू वगैरह होता है इसमें, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए तो कोई, या चाकू लग जाए या कोई क्रश इंजरी हो जाए, या इसके अलावा बर्न हो जाए, कहीं पे अल्सर घाव बन जाए, या रोड में कोई बड़ा ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए, कुछ जानवर के काटने से जैसे कि डॉग बाइट से या कैट से, स्नेक के काटने से, फीसेस में, एनिमल के फीसेस, सलाइवा वगैरह से भी होता है। तो इस तरह की अगर कोई कंडीशन होती है तो उस समय हमें टिटनस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। इंजेक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो वैक्सीनेशन हुए कितना समय बीता है और दूसरा इंजरी का टाइप कैसा है। हल्की इंजरी है, जस्ट खरोंच लगी है, या क्लीन इंजरी है, निडल प्रिक हुई है, उसके लिए थोड़ा अलग। और अगर बड़ी इंजरी है, चाकू का बड़ा घाव है या ज़्यादा बर्न हो गया है, अल्सर बन गया है, बड़ी इंजरी है, तो उसके लिए फिर अलग तरह का शेड्यूल हम लोग फॉलो करते हैं। तो याद रखें, अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको ये वैक्सीनेशन हुए 5 साल हुआ है, मतलब 5 साल के अंदर अगर किसी ने टिटनस की वैक्सीन ले रखी है, तो फिर उसको ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह के टिटनस के इंजेक्शन लेने की। लोग प्रायः मिस्टेक करते हैं कि जैसे मान लो किसी को अभी चोट लग गई, जनवरी में लग गई, तो उसने टिटनस का इंजेक्शन ले लिया, फिर वो 5 महीने बाद कभी जून में चोट लगती है तो दोबारा से इंजेक्शन ले लेता है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। अगर 5 साल के अंदर किसी को टिटनस का इंजेक्शन लगा है तो फिर उसको इंजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ आप हमेशा दिमाग में रखें। अब अगर 5 साल और 10 साल के बीच में समय हो गया है तब टिटनस का इंजेक्शन ले लेना चाहिए। वैसे क्लीन वुंड में नहीं भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर ले लेना उचित रहता है कि अगर 5 साल और 10 साल के बीच में कभी टिटनस का इंजेक्शन लगा था पहले, तब एक टिटनस का इंजेक्शन ले लिया। लेकिन अगर इंजेक्शन को लगे हुए 10 साल हो गया है कि 10 साल से टिटनस का इंजेक्शन नहीं लगा है, या तो जो व्यक्ति है जिसको चोट लगी है या जिसको किसी एनिमल ने काट लिया है या क्रश इंजरी हो गई है, उस केस में टिटनस का इंजेक्शन भी लगवाना है और इम्यूनोग्लोबुलिंस भी लेने हैं। ये जो इम्यूनोग्लोबुलिंस है ये टिटनस के अगेंस्ट में एंटीबॉडी है जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, ये टेम्परेरी एक तरह से पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। तो इम्यूनोग्लोबुलिंस भी लेना है, उसका लगभग 250 इंटरनेशनल यूनिट होता है प्रोफाइलेक्सिस के लिए, और साथ में टिटनस की वैक्सीन लगवाना है। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अगर किसी ने पहले टिटनस
का वैक्सीनेशन या तो पूरा नहीं लिया था या तो लगवाया ही नहीं था। ऐसे यूजली बहुत कम होता है किसी ने टिटनस का वैक्सीनेशन नहीं कराया हो, क्योंकि चाइल्डहुड में चाहे सरकारी में डिलीवरी हो चाहे प्राइवेट में टिटनस का वैक्सीन लगता ही है, चाहे पेंटावेलेंट लगे या डीपीटी लगे, लगता है। पर बहरहाल अगर किसी को नहीं लगा है, उसको याद नहीं है, तो चोट लगने के बाद टिटनस का पूरा वैक्सीनेशन का एक शेड्यूल होता है, उसको फॉलो करना चाहिए। मतलब कि 3 वैक्सीन के डोज लगवाने हैं टिटनस के। चोट लगती है तो पहला हो जाएगा, फिर उसकी 1 महीने बाद लगवाएं, फिर उसके 6 महीने बाद लगवाएं। तो 0, 1 और 6 होता है, जो छोटे बच्चों में लगता है। 1-1 महीने पे 3 लगते हैं, यहाँ पे पहले 0 लगेगा, फिर 1 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद लगेगा। तो बड़ों में शेड्यूल थोड़ा सा बदल जाता है। तो ये तो जैसा कि हमने जान लिया कि बार बार वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं है। अगर 5 साल के अंदर वैक्सीनेशन हुआ है तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 5 से 10 के बीच में साल हो गए हैं तो एक वैक्सीन से काम हो जाता है, और 10 साल से ज़्यादा हो गया समय या तो याद नहीं है, जैसा कि मैक्सिमम केसेस में लोगों को रहता है कि मुझे याद नहीं कि वैक्सीन लगा था कि नहीं लगा था, उस केसेस में वैक्सीन भी लेना है और इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी लेना है। और ये भी चीज़ याद रखें कि एक तरह की टॉक्साइड वैक्सीन है, इसका ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। तो 1-2 डोज ज़्यादा भी हो जाता है तो उससे ज़्यादा कोई डरने घबराने की बात नहीं है। थोड़ी सी वैक्सीन के बारे में जानते हैं। ये टिटनस की वैक्सीन है, ये 4-5 तरीके से आपको मिल सकती है। पेंटावेलेंट वैक्सीन जो यूजली थाई पे लगती है, या तो डीपीटी मिलेगा जो कि 3 वैक्सीन का कॉम्बिनेशन होता है, डिप्थीरिया, टिटनस और पर्टूसिस का। इसके अलावा अकेला टिटनस टीटी भी मिलता है, या टिटनस के साथ में डिप्थीरिया टीडी बस मिलता है, क्योंकि डिप्थीरिया भी बड़ों में हो सकता है। और ऐसे टी टाइप करके वैक्सीन आते हैं जिसमें टिटनस के साथ में डिप्थीरिया का लो डोज होता है और पर्टूसिस का एसेलुलर कंपोनेंट होता है। या तो टीटी लगवाएं बड़ों में, या तो टीडी लगवाएं, या तो टी डैप भी लगवा सकते हैं। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी में। हर प्रेगनेंसी में 2 वैक्सीन लगवाने होते हैं, और कोशिश ये करना चाहिए कि वैक्सीनेशन जो प्रेगनेंसी में टिटनस को होता है उसमें 1 डोज टी डैप की हो, जिसमें डिप्थीरिया और पर्टूसिस होता है। क्योंकि बच्चे का जो अर्ली पीरियड होता है, शुरू के 1.5 महीने वाला, उसमें बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी मदर से चली जाए। अब इसकी डोज की बात करें तो टिटनस के वैक्सीन 0.5 ml होती है, और साइट की बात करें ये इंट्रामस्कुलर लगती है, मसल के अंदर में। तो जो बड़े हैं, वयस्क हैं, उनके हाथ पे लगेगी डेल्टॉइड रीजन में, जो छोटे बच्चे हैं उनकी थाई पे एंटीरोलेटरल आस्पेक्ट पे लगती है। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। चूंकि ये वैक्सीन टॉक्साइड है, किल्ड है, इसलिए इसके साइड इफेक्ट बहुत कम है, मिनिमल है। इसलिए इसके थोड़े ज़्यादा डोज अगर कभी हो भी जाते हैं, मतलब ज़्यादा बार लगवा लिया, तो भी इससे कोई खास साइड इफेक्ट नहीं आते। जो मेन साइड इफेक्ट है वो लोकल साइड इफेक्ट है, मतलब जो इंजेक्शन साइट है वहाँ पर रेडनेस, इचिंग, दर्द हो सकता है, थोड़ी बहुत स्वेलिंग आ सकती है, खुजली हो सकती है। और रेयर केसेस में वैक्सीन के अंदर अगर कुछ जो प्रिजर्वेटिव्स वगैरह डले हैं उनसे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है, ठीक है, मतलब कि फीवर वगैरह आ जा सकता है। अगर किसी को फ्री है एलर्जी की, सेंसिटिविटी रिएक्शन की, तो आप डॉक्टर से बता के वो वैक्सीन नहीं लगवाएं। और बहुत रेयर केसेस में कई बार नर्व इंजरी होने के चांसेस रहते हैं वैक्सीन के कारण भी। ये आपको याद रखना है, टिटनस एक खतरनाक बीमारी है जिसकी वैक्सीन सबको लेना चाहिए, पूरे कंप्लीट डोज आपको लेना चाहिए, 10-10 साल पे बूस्टर लगना चाहिए, क्योंकि ये एंटीबॉडी का लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है। ये प्रायः लोग नहीं समझते हैं, ये अलग अलग वैक्सीन अलग अलग तरह की बनी होती है। जो लाइव वैक्सीन होती है जैसे मीजल, मम्स, रूबेला या पोलियो की, उनमें लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आती है। पर ये टॉक्साइड और किल्ड वैक्सीन होती है, इनको कुछ सर्टेन पीरियड में इनका जो एंटीबॉडी का लेवल है वो कम हो जाता है, जो मेमोरी सेल्स हैं वो कम हो जाते हैं, इसलिए हमें बूस्टर देने की जरूरत होती है। तो सबको 10-10 साल पे लगवाना चाहिए। लोगों को मैंने टिटनस इंजेक्शन के बारे में सारी जानकारी डिटेल्स में दे दी है। सो थैंक यू सो मच।